ओके, तुम्हें क्या लगता है मॉम ठीक हो गई होगी अब? वो अब ठीक होगी, अगर नहीं होगी तो ये जगह देकर ठीक हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। ऐसा मत करो, ये एक नाइटमेयर है, सब खत्म हो गया है अब। निहाद प्लीज इसे दबाओ। हाँ मैं करता हूँ, पर कहीं तुम्हारा ब्लड फ्लो बंद न हो जाए। दबाओ, अच्छे से दबाओ, दबाओ दबाओ। ये इतना ठीक है? आइए डाज इधर, मुझे आपको ये देने दो। अरे मॉम ने कल बुरा सपना देखा, बहुत ही बुरा। वो सब बहुत ही बुरा था, मैं बता नहीं सकती। और पता है मैं ऐसे ऐसे करके पैसे बांट रही थी, बहुत बुरा था। वाह बहुत अच्छा है, इसका मतलब हम अमीर होने वाले हैं। नहीं नहीं, ऐसी अमीरी नहीं चाहिए मुझे, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। नहीं ऊपर वाले ने तुम्हें ऐसे दिया है क्यों? क्यों हम एक अमीर फैमिली नहीं बन सकते? बस हम उनकी तरह नहीं रहेंगे। हाँ अगर हमारे पास कभी पैसे आ भी जाते हैं तब भी हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ मेरी बेटी, देखो उस्मान को, वो भी अच्छा आदमी है ना? क्या पैसों ने उसे बदल दिया है? बिल्कुल नहीं। उस्मान अलग है, वो बहुत अच्छा लड़का है, हीरा है हीरा, वो कभी नहीं बदलेगा, मुझे पता है। हाँ, मुझे वो मेरे बेटे जैसा है, मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। तो हमें भी सेम रहना चाहिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, हम भी अच्छे लोग हैं ना। नहीं मुझे पैसे नहीं चाहिए, जब मैंने खुद को सपने में देखा मैं बदल गई थी, मैं बहुत ही बुरी औरत बन गई थी, मुझे ऐसी औरत नहीं बनना है, हम जैसे है ना वैसे ही अच्छे हैं। लैला आप दोनों से कुछ बात करना चाहती है, उसने उस्मान से बात की। तुमने क्या कहा बेटा? हाँ पर देखो अगर तुम्हारी हैसियत एक जैसी होगी ना तो तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, अगर फर्क होगा ना तो हमारे जैसे नाराज रहोगे, झगड़ोगे। मॉम सनीम ने भी जान से कुछ बात की है, उसे आपको कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है। वैसे सब्जेक्ट क्या था? क्या हो सकता है, अलग दुनिया है, इसने वर्कआउट तो नहीं होगा। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी बात, कुछ नहीं होगा। हाँ जाने दो, हाँ ठीक है जाने दो। हाँ अब बातें रहने ही दो क्योंकि कोई फायदा होने वाला नहीं है, रहने दो। मुझे लेट नहीं होना है। अबे तुमने तो कुछ खाया नहीं। मेरा पेट भर गया है डैड, भर गया है। हाँ डैड सुनो ना, तुमने भी नहीं खाया। इसे हम और पुश नहीं करते हैं। लैला रुको रुको जरा रुको। जी मॉम। रुको रुको एक मिनट। ओह गॉड क्या हुआ? रुको रुको तुम्हें कुछ देना है। क्या है ये क्या है? तुम्हें किसी की नजर ना लगे इसलिए ये ब्लू बीन्स रख लो, ठीक है? ये अपने पास रखना, ऊपर वाला तुम्हारी हिफाजत करे। चलो अपना आंखें बंद करो और प्रे करो, चलो। यहाँ बैठो। भाई कल रात जो हमने बात की थी वो याद है ना? एकदम शांति से बात करना, जरा भी चिल्लाकर बात मत करना। एमरे मैं शांति हूँ, डोंट वरी। वो हमारी मॉम है, वो क्या कहेंगी मुझे वो जानना है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम, क्या आप ठीक हैं? हाँ हाँ अच्छी हूँ। आइए बैठिए यहाँ पर। क्या हुआ? मेरी गर्दन, मैं काफी स्ट्रेस्ड हूँ, कल पूरी रात सो नहीं पाई, मुझे बहुत बुरा सपना आया था, उस औरत ने मेरी साइकोलॉजी बर्बाद करके रख दी है। पता है कल मैं उनके मोहल्ले में कारपेट साफ कर रही थी, मैं और उनके यहाँ कारपेट साफ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बताओ। आई कैन बिलीव दिस, मुझे एक थेरेपिस्ट की जरूरत है। मॉम ये सिर्फ एक सपना था, बात को बढ़ाओ मत, सपने हमेशा देखने के लिए अच्छे होते हैं, उस पर इतना सोचना नहीं चाहिए। मैं बात को बढ़ा रही हूँ, मैं बढ़ा रही हूँ, क्या मैं चाहती थी कि ऐसा हो जान? ओके मॉम, ओके ओके मैं समझ गया, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। एक्चुअली मुझे अभी सही नहीं लग रहा, जब आप थोड़ा अच्छा फील करें तब हम बात कर लेंगे। मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है तो मैं अभी जाता हूँ, और मैं आज काफी बिजी रहने वाला हूँ तो मैं बाद में बात कर लूंगा, है ना? गिव मी अ हग प्लीज। गुड बाय। गुड बाय। ओह टेक केयर बेटा। ओके बाय बाय। क्या वो सच में इनोसेंट है? क्या उसकी कोई फॉल्ट नहीं है? सारी फॉल्ट मेरी है, मुझे क्यों? ब्रावो ब्रावो, वो एग्जैक्टली अपने पापा जैसा है, लोगों की बातों में आसानी से आ जाता है, पर मैं इनके जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपना बेटा उन्हें मुझसे छीनने बिल्कुल नहीं दूंगी। हेलो पोलन, जी जी
जी जी हाँ बोलो। क्या हुआ, तुम शांत क्यों हो? तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और तुम ही बात नहीं कर रहे, क्या बात है? आयहान, हम दोनों शादी कर रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया, तुम ऐसा चाहते थे और मैंने एक्सेप्ट किया, हम शादी कर रहे हैं। हाँ, मैं जानता हूँ, पर तुम मुझे बात करने ही नहीं देती, तुम हमेशा इंटरप्ट करती रहती हो, तुम मुझे कुछ कहने ही नहीं देती, यानी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं समझ जाती हूँ, मुझे एक ब्राइडल कॉस्ट्यूम मिला और रिंग्स भी मिली थी, तो मैं समझ गई। अगर तुम्हें एस्ट्रोनॉट के कपड़े मेरे घर पर मिलते तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम स्पेस में जाएंगे। तुम क्या कह रहे हो जे जे? जे क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? आयहान, कोई और है? ऐसी कोई बात नहीं है, जो चीजें तुम्हें मेरे घर पर मिली वो मेरी दादी ने भेजी हैं। तुम्हारी दादी ने? हाँ आयहान, वो चाहती हैं मरने से पहले मैं शादी कर लूं। जी 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 जी, क्या तुम मरने वाले हो? तुम बीमार हो क्या? आयहान, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं दादी की बात कर रहा था। हाँ अच्छा, मुझे लगा कि न जाने क्या सोचती हूँ। वो मरने से पहले मेरी शादी देखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे वो भेजा, समझ रही हो ना तुम? तो अब हम क्या करते हैं, हम उसे पहन लेते हैं और अच्छे दोस्तों की तरह उसमें फोटोज ले लेते हैं, ठीक है ना आयहान? फोटोज दो दोस्तों के जैसे, पर कैसे? वो उसे मेरी दादी खुश हो जाएंगी और फिर हम हमारी जिंदगी जिएंगे, यू नो, करियर बनाएंगे, और ये देखने के बाद वो शांति से मर जाएंगी, इसके लिए शादी की क्या जरूरत है ना आयहान? मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तुम हो जो शांति से मरोगे जेजे। तुम उस प्यार को ठुकरा रहे हो जो तुम्हें खुश रख सकता है, ये तो मौत से भी बुरा है, मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। आयहान ओके, हम और बातें नहीं करते हैं। मुझे लगा ये प्यार है, पर ये तो सिर्फ फोटो के लिए ही था। आयहान, मैं मॉम से बात नहीं कर पाई उस्मान, उन्होंने मुझे ये दिया है, चीजें बहुत अलग हो गई हैं। क्या दिया है? ये नजर के लिए। नजर के लिए दिया है? हाँ उसी के लिए। ओह मेरी आंटी मैफकी पे। I'm so sorry उस्मान। नहीं तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी आयहान से बात नहीं कर पाया हूँ अब तक। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आयहान। हाँ क्या हो गया, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं। आयहान यहाँ पर आओ मेरे पास, क्या हुआ? सुबह तो तुम खुश थी, अचानक क्या हो गया? जीजे के साथ तुम्हारी लड़ाई हुई क्या? बोलो। नहीं कुछ नहीं हुआ। आयहान क्या हुआ, क्या जीजे ने तुम्हारे साथ कुछ किया? नहीं ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में कोई भी चीज प्रॉपरली नहीं कर सकते, जैसे कि जिससे तुम प्यार करते हो जरूरी नहीं वो भी तुम्हें प्यार करे, तुम जिसकी वैल्यू करते हो जरूरी नहीं कि वो तुम्हें वैल्यू करे। मैं बहुत खुश थी, मेरी भी कुछ उम्मीदें थी, पर हमेशा ऐसा क्यों होता है भाई, हमेशा ऐसा क्यों होता है? मुझे नहीं पता, अक्सर ऐसा ही होता है। शायद दुनिया में कहीं भी खुशियां नहीं है आयहान, ये दुनिया बहुत जालिम है, किसी की खुशियां देख नहीं सकती ये दुनिया। आप क्यों ऐसा कह रहे हो? आप तो खुश हो ना, आपके पास आपका प्यार है, ये अच्छी बात है, आप तो एक दूसरे से करीब हो और दोनों खुश हो, शादी करने वाले हो, मुझे खुशी है इस बात की। चलो मुझे अपना हाथ दो मुझे। ऊपर वाला आपकी रक्षा करे और आपके प्यार की भी, आप खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। पता है आपको एक ब्लू बीन की जरूरत है, मैं आपको एक देती हूँ। नहीं रुको, आंटी मैफकी ने भी नजर के लिए कुछ दिया है, ये देखो। ओ मेरे भाई, दिखाओ मुझे। लैला को पहना दो। आयान मैं कर सकती हूँ, थैंक यू। चलो भाई, मैं ये आपके गले में डाल देती हूँ। ऊपर वाला आपको बुरी नजर से बचाए। उन लोगों में
उन लोगों में कोई मैनर्स ही नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। और जिस तरह से वो बात करते हैं, तुम्हें नहीं पता, लेकिन अगर तुम वहाँ होती तो तुम्हें समझ में आ जाता कि वो कितने मैनर्सलेस लोग हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं और क्या कहूँ, मुझे तो समझ में ही नहीं आता चांद ऐसे लोगों के साथ आके रह कैसे लेता है। उफ, मुझे भी नहीं पता, मेरी भी समझ में नहीं आता कि वो उन लोगों के साथ कैसे रहता है। हम फिलहाल तो उन्हें टॉलरेट कर लेंगे, पर फ्यूचर में वो हमारे साथ हमारी सोसाइटी में रहेंगे। जरा सोचो, लोग उन्हें देखेंगे तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारी रेपुटेशन तो पानी में चली जाएगी, सब कुछ। क्या हुआ मिसेस हुमा, प्लीज संभाल के अपना ख्याल रखिए, आप इधर आइए आराम से। मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, पर फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए। पता है मैं उसे कन्विंस करने के लिए क्या कुछ नहीं करती, पर वो है कि हमेशा मुझे ही ब्लेम करता रहता है, मुझे ब्लेम करता है। आप उसे कन्विंस मत कीजिए, अभी किसी और को कन्विंस करना चाहिए, ऐसा कोई जिसकी बात जान मानता हो मिसेस हुमा। तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ सच में किसी और की मैं कुछ करने का सोच रही हूँ। क्यों, क्या हो गया? कल मुझे कुछ इंटरेस्टिंग करना है, हाँ, ताकि लाइफ में मजा आ जाए। लगता है आपके पास कोई और प्लान है ना? कल जान का बर्थडे है। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसके लिए अच्छी सी पार्टी रखने वाली हूँ, तो मेरी हेल्प करोगी? जरूर मिसेस हुमा। हाँ हाँ देखो तो अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। ओ, मुझे तो यकीन नहीं होता कि जान ये सच्चाई देख नहीं पा रहा है। मैं नहीं चाहती कि सनम की शादी जान से हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उससे शादी करो। हाँ, पर हम भी क्या कर सकते हैं, वो तो पूरी तरह सनम के हाथों में है ना? इडियट। वैसे मिसेस हुमा, आज मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे बुक का बहुत सारा काम करना है और उसकी लॉन्चिंग भी पास में आ रही, और मिसेस हुमा आपको भी उसमें जरूर आना है। ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगी। ओह सो स्वीट ऑफ यू मिसेस हुमा। मैं जरूर आऊंगी, या क्यों ना हम दोनों साथ में एजेंसी चले, okay. बातें भी हो जाएंगे। वंडरफुल, और फिर लंच के लिए चले जाएंगे। सनीम, सैंपल की बुक्स आ गई हैं। ठीक है। ये क्या है सनीम? पोलन की बुक्स। देखो वो कामयाब रही, वो चाहती थी कि लॉन्च आज रहे, और देखो ना कैसे उसने अपनी ही फोटो यूज की कवर पेज के लिए। यक। पर ये अच्छी लग रही है, मेरा मतलब बुक, हाँ बुक बहुत ही अच्छी है, वो इतनी नहीं है। अगर ये अच्छा है तो इसका मतलब मुझे कुछ नहीं पता, वो कामयाब रही। वो यहाँ जल्द से जल्द आती होगी, मैं ये देखकर बोर हो रही हूँ, मैं एजेंसी चली जाती हूँ, वहाँ जेजे से बात कर लूंगी, शायद ये एक अच्छा डिस्ट्रैक्शन रहेगा मेरे लिए। हाँ सनीम बिल्कुल, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। बुक्स को जलाना तो बहुत शेमफुल है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ओ, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया, वो कितना अच्छा है। मैं तो, मेरी कोई बेइज्जती करे ना मुझे मंजूर नहीं है। और वो कौन होती है? देखो बात पैसे की नहीं है, अगर वो चांद की मॉम नहीं होती ना तो मैं और बहुत कुछ सुना सकती थी। हाँ, वो लड़का बहुत अच्छा है और वो ना हम लोगों को काफी पसंद भी करता है। हाँ सही कह रही हो, पर समझ में नहीं आता वो अपनी मॉम से इतना अलग कैसे हो सकती है, बच्चे तो माँ पर जाते हैं। हाँ सच में मैं भी खुद से ना यही सवाल करती हूँ, पर शायद उसकी परवरिश अलग हुई है इसलिए शायद ऐसा है। हाँ बिल्कुल सही हो तुम। ये लीजिए चाय। रामी आप ही लीजिए। हाँ मुझे भी दो। हाँ आ जाओ आ जाओ। मुजफ्फर मैथ के बे, मुझे तुमसे कुछ कहना है, पर क्या कहना है? पर नहीं कहो ना। जाने दो, ये जान और सनीम के बीच में चल क्या रहा है? अगर उनकी शादी होगी ना तो हमेशा वो झगड़ा ही करते रहेंगे, एक जैसे तो है नहीं, बहुत अलग है दोनों, झगड़े होंगे। हाँ कोई बैलेंस ही नहीं है, बिल्कुल सही कहा। मैं अब सनीम की देखभाल नहीं करता हूँ तो बेचारी डिप्रेशन में आ गई है, आप चेक करो पक्का वो डिप्रेशन में है। मुजफ्फर प्लीज, तुम जरा हमें अकेला छोड़ दोगे? तुम्हारी सलाह किसी ने मांगी नहीं है यहाँ पर, तुम जाओ। क्या मैं सच नहीं कह रहा हूँ, मैं उससे कितना प्यार करता था लेकिन वो हमेशा मेरे प्यार को ठुकराती रही, लेकिन अब उसकी खुद की हालत खराब है, उसके आजू बाजू में कोई भी नहीं है, वो अब अकेली है, उसके साथ में कोई नहीं है। वो बोलते ना इधर कुआं उधर खाई, एक मुजफ्फर था उसको भी उसने जाने दे दिया अपने हाथ से, अब देखो उसकी हालत कैसी हो गई। अगर वो मेरे साथ रहती तो मैं उसको हमेशा खुश रखता, लेकिन नहीं, सनीम को तो वो जान ही पसंद है ना, क्या करे। आप लोग उसके साथ जाकर बात करिए,
कहीं उसकी हालत और ना खराब हो जाए। ये क्या कह रहा है, क्या तुम सच कह रहे हो? बताओ मुझे क्या बोल रहे थे तुम? मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि सब कुछ हारमनी में होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, समानता में होना चाहिए। देखो वो है जान देवित और वो इतना अमीर है कि आप पूछो मत। हम पूरी जिंदगी मेहनत करेंगे ना तब भी उसके जितना पैसा नहीं कमा पाएंगे। हाँ, इसकी बातों में तो दम है। वो लोग कच्चा मांस खाते हैं, वो लोग अंडे नहीं खाते हैं, ऐसे कैसे कर सकते हैं? वो जो चाहे वो खाते हैं, वो जो चाहे वो पीते हैं, हम क्या कर सकते हैं, अमीर लोग होते ही ऐसे। लेकिन अब बहुत हुआ, उन्हें सनेम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत हुआ, अब मुझे बहुत ही चिढ़ आ रही है, तुमने हमारा पूरा मूड खराब कर दिया। अब तुम क्या करोगे? जाओ यहाँ से, जाओ। सच्चाई का जमाना ही नहीं है, सच बोलो तो कड़वा ही लगता है हमेशा। हे ऊपर वाले, आकाश ऐसा होता कि सनीम को उस्मान के जैसा आदमी मिल जाता। जान भी ठीक है पर ये कैसे हो सकता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसे पूछना तो चाहिए ना हमसे। मेरी हाथ, मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ मैं। हाँ सही कहा, उसे कोई उसके बराबरी का मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल साइज का हो, इतना बड़ा नहीं। उसके लिए किसी को ढूंढना चाहिए, पर मैं नहीं, अब मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई एम रियली सॉरी। कैसे हो सनम? पूछने के लिए थैंक यू, पर मैं ठीक हूँ। अच्छा, ओ गॉड ब्लेस यू सनम। क्या ये ओरिजिनल साइज है? हाँ। कमर? उसकी खुद की कमर। आंखें? उसकी अपनी आंखें। आंखें? हाँ। फोटोशॉप होगा? नहीं। फोटोशॉप? नहीं, फोटोशॉप नहीं है। हमारी हाइट ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट। पर देखो ना वो कितनी लंबी लग रही है मुझसे फोटोशॉप की वजह से। ठीक है सनम, मैं समझ सकती हूँ। ओके, मैं समझ सकती हूँ। समझ सकती हूँ क्या, मुझे काम करना है, क्यों किसी को धोखा देना? क्यों? कोई जरूरत नहीं है, आप इसे बढ़ा सकते हैं। ओह माय गॉड, वो तो हर जगह है। इसे हर जगह पर क्यों रखा है? ये देखो सनम। क्या तुम्हें ये सूट करता है? अनबिलीवेबल, तुम अजीब लग रहे हो। तुम कितनी अजीब दिखती हो, तुम घूरती हो, तुम डेंजरस लगती हो, डर लगता है तुमसे। अच्छा, मैं सांस नहीं ले पा रही। अच्छा, आराम से जीजे। हाँ, आराम से तो कर रहा हूँ। बस बहुत हुआ। क्या कर रहे हो तुम दोनों? हाँ, मैं सुबह से इसे कैरी करते करते थक गया हूँ, बहुत थकान हो रही है। हाँ हाँ, जैसे कि हमारे पास और कोई काम ही नहीं है। किसने कहा तुम्हें ये सब करने के लिए? मिस पॉलिन। सच में? क्या वो नई एजेंसी ज्वाइन करने वाली है? वो करती है सनम। तुम यहाँ से चली गई तो अब यहाँ उसके साथ डील करने के लिए कोई नहीं है। कंपल्सिव ऑब्सेसिव एजेंसी अब एकदम साइफाई प्लेस बन गई है। हर जगह बस पोलिंस है। पोलिंस ने इस जगह को घेर लिया है, वर्ल्ड को इन्वेड कर लिया है। देखो इसे सनम, देखो। बहुत हुआ, चलाओ मत जीजे, मिस्टर जान सुन लेंगे। और ये जो कुछ भी है ना, वो रियल नहीं है। जैसे मुझे ये नजर आया और मैंने कहा ये ओरिजिनल पैर नहीं हो सकते, सब कुछ फोटोशॉप है। मुझे इस पर यकीन नहीं, ये सब कुछ फेक है, सब फेक, फोटोशॉप फेक है, एकदम फेक है। हाँ, पर मिस्टर जान ये चाहते थे, वो चाहते थे कि ये ओरिजिनल साइज में बने। ओरिजिनल साइज है, मिस पोलिन ऐसी ही है, देखो उसे ऊंची है। जान ने ऐसा कहा था? हाँ। क्या तुम्हें कोई कंप्लेंट है? जाओ और डायरेक्ट मिस्टर जान से कहो ना। जान ऐसा चाहते थे? नहीं, मिस पॉलिन चाहती थी, उन्हें एक फोटोग्राफर भी उनके साथ चाहिए था, पर मिस्टर जान ने मना किया और ये उसी प्रोजेक्ट्स में से एक है। तुम वहाँ क्यों देख रहे हो जीजे? मैं अपनी आंखें बंद करके उस तरफ क्यों चला जाऊँ? अगर मैं गिरकर अपना हाथ तोड़ देता हूँ फिर क्या होगा? क्या करूँ बताओ? बंद करो। ये लो। जान, ये मॉडल कितना अच्छा है ना? वाकई में बहुत अच्छा है। मुझे प्लीज मिस सनम की फोटो लेने दो। हाँ हाँ, ले लो। इधर देखो सनम, अब यहाँ देखो। ठीक है, बहुत अच्छे। गुड, तो अब मैं जान से मिलने जाती हूँ। हाँ, पहले मिस्टर जान फिर दूसरा वाला। मुझे लगा था मुझे नौकरी से निकाल दिया है, ऐसा लगा जैसे मुझे नौकरी से निकाल दिया। सनम, यू नो मैं जिंदगी भर एक ऐसी औरत की तलाश में था जो मुझे संभाल पाए, और अब मुझे लगता है कि फाइनली वो मुझे मिल गई। सच में? अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, मुझे मेरा प्यार मिल गया, मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। जान,
वैसे मैं काफी जेलस हूँ, ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। वैसे मुझे ये पब्लिशिंग हाउस में रखना चाहिए ताकि वहाँ पर थोड़ी एक्साइटमेंट बनी रहेगी, थोड़ा अच्छा माहौल बना रहेगा, है ना? तुम कितनी ज्यादा जिद्दी हो, तुम्हें जो करना तुम वही करती हो ना। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, वो बस स्ट्रेस और ट्रबल देता है। तो मुझे अब ये बताओ कि क्या तुमने अपनी मॉम से बात की या नहीं? बताओ ना, बात की या नहीं? जॉन, नहीं, कल उन्हें एक नाइटमेयर आया था, इसीलिए मैं उनसे कुछ नहीं कह पाई। वो काफी अपसेट नजर आ रही थी। नाइटमेयर? क्या बकवास कर रही हो? क्या ये कोई एपिडेमिक है? मेरी मॉम भी यही कह रही थी कि उन्हें कल रात को कोई नाइटमेयर आया था। ऐसे कैसे? एग्जैक्टली, मैं भी वही सोच रहा हूँ। उन्होंने कहा कि उन्हें भी नाइटमेयर आया था और आज सुबह उनकी गर्दन अकड़ गई थी। मेरी मॉम काफी गुस्से में थी, इसीलिए मैं उन्हें कुछ नहीं कह पाई। अब हम क्या करेंगे जॉन? कितनी स्वीट हो, मैं फिलहाल तुमसे यही कहना चाहता हूं, बस अब हम क्या करेंगे? इसे आज के दिन यही छोड़ देते हैं, एंड ट्रस्ट मी, कुछ दिनों बाद वो काम हो जाएंगे, ठीक है? फिक्र मत करो। आई ट्रस्ट यू जॉन। ओके, ऐसा सोचते हैं कि हमने सारी प्रॉब्लम्स को एक बॉक्स में रख दिया है और वो बॉक्स हम एक शेल्फ पर रख देते हैं, और चलिए हमारी चेहरे पर से ये नेगेटिव एक्सप्रेशंस को हटा देते हैं हम, क्योंकि कल आपका बर्थडे है। आई थिंक मुझे मेरा बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना है, you know, मेरा मन नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा क्यों जान? आप मेरे लिए बहुत स्पेशल है, आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, मैं आपका एक भी स्पेशल मोमेंट खोना नहीं चाहती। हे सनम, तुम मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल हो। मुझे अब काम करने के लिए जाना चाहिए। चलो जान, चलते हैं। पोलन की बुक जल्दी खत्म होनी चाहिए, ये सब जल्दी खत्म होना चाहिए। मैं जान के साथ हूँ। सनम, तुम क्या कर रही हो? नीचे जा रही हो जेजे, और तुम? हाँ, तुम वहाँ जा रही हो और मिस्टर जान को अपने साथ लेकर जा रही हो, क्यों क्यों? हाँ, पर उन्हें एक ब्रेक की जरूरत है, मैं उन्हें अपने साथ ले जा रही हूँ। तो अच्छा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। हाँ, वैसे तुमने क्या किया? तुमने अयान से बात कर ली? क्या कहा उसने? हाँ, की आज सुबह हमने बात की। क्या हुआ फिर? क्या वो तुमसे नाराज है? गुस्से वाली ड्रैगन बन गई है, उसके मुँह से आग बरसती है, आग। सच में? तुमने उसे क्या कहा, सच सच बताओ जीजे। मैंने उसे सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, सब कुछ ओपनली कह दिया। हाँ, पर अयान तो शौक हो गई होगी, मैं जानती हूँ उसे, पर तुम्हारा क्या? तुमने ऐसा क्यों कहा? मैं नहीं जानता, प्लीज सनम, मेरी मदद करो इसमें, प्लीज। फिक्र मत करो, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं पूरा ट्राई करूंगी, तुम हार मत मानना, मुझ पर यकीन करो। अयान एक लाइफ कोच है, इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। अगर तुम उसे दोबारा बात करोगे ना, तो मुझे लगता है कि वो समझ जाएगी कि तुम ऐसे स्ट्रेंज बिहेव क्यों करते हो, उसे बस थोड़ा सा वक्त। थैंक यू सो मच सनम, तुम कितनी स्मार्ट हो, कितनी क्लेवर हो, आई लव यू। तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैं जा रहा हूँ। मत जाओ। सॉरी, जाना होगा। तुम मेरे बेटे को फंसाना चाहती हो ना? ओ नहीं। क्या तुम उसे अपने साथ ले जा रही हो? पब्लिशिंग हाउस में। अच्छा आइडिया है। कितना अच्छा है मेरा हैंडसम बेटा, हमें उसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, हमें उसकी जरूरत है, राइट? हाँ, सच में, आई अग्री, वी नीड हिम। ओह, कितना अच्छा है। मुझे तुम्हारा वक्त जाया नहीं करना, वैसे भी आज लॉन्च है। इन्हें क्या हो जाता है, कल अलग बिहेव कर रही थी, आज अलग, मुझे समझ ही नहीं आता। जी जी, अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। ये कॉल मुझे मीटिंग के पहले ही करना होगा। कैसे कैसे, अब ठीक है। अयान लाइफ कोच? हाँ, मैं बोल रही हूँ। मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी जरूरत है, बहुत जरूरत है, एक इमरजेंसी है। ओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम एक नंबर के बेशरम इंसान हो।
वैसे मेरे कई प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हाँ, मैं समझती हूँ। वैसे सॉरी मैंने ऐसे रिएक्ट किया। तो तुम मुझे सबसे पहले अपना नाम बताओ। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम यूसुफ है। यूसुफ, और तुम्हारा सरनेम क्या है वो बताओगी? यूसुफ। मैं समझ गई तुम्हारा नाम यूसुफ है, पर तुम्हारा सरनेम क्या है वो बताओ। वो भी यूसुफ है। वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ वो तो है, एक्चुअली वो मुझे इंटरेस्टिंग बनाना चाहते थे इसलिए मैं मेरे माँ बाप के बारे में बोल रहा हूँ। मिस्टर यूसुफ, क्या आपकी जिंदगी में फिक्र है, ऐसी चीज जिससे आप डरते हैं, घबराते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? हाँ मुझमें बहुत सारे डर छुपे हुए हैं। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? मैं बताओ मैं क्या करूँ? ये डर ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक्सपीरियंस जरूरी है मिस्टर यूसुफ, मैं सब कुछ समझ सकती हूँ। पर आप बताइए कि आपके लिए क्या करना चाहिए? ये इसे कॉन्फिडेंशियल रखिए। क्या कहा? प्रॉब्लम्स। पर हम जो बात कर रहे हैं वो कॉन्फिडेंशियल है, डॉक्टर और पेशेंट के अलावा किसी और को नहीं पता चलनी चाहिए। ओके मिस्टर यूसुफ, मुझे मेरा कैलेंडर चेक करना है और फेस टू फेस एक मीटिंग अरेंज कर लेते हैं, उससे मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगी। नहीं नहीं, और एक प्रॉब्लम है कि मैं हमेशा बिजी होता हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। पर अभी हमने अपॉइंटमेंट फिक्स ही कहाँ की, हम ऐसे अरेंज करते हैं जब आपका डे ऑफ हो। नहीं, मुझे डे ऑफ नहीं मिल सकता, चलिए ना फोन पर ही करते हैं, मुझे बहुत शर्म आती है, मुझसे नहीं होगा, प्लीज हम फोन पर ही बात करते हैं ना। समझ सकती हूँ, पर हम ऐसे बात नहीं कर सकते, थेरेपी ऐसे करना पॉसिबल नहीं, फेस टू फेस होना जरूरी है। हम ऑनलाइन बात कर सकते हैं, जैसे कि बैंक ऑपरेशंस होते हैं वो भी ऑनलाइन होते हैं। क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, हम दोनों ऑनलाइन अच्छे से बात कर पाएंगे। हमने ऑनलाइन मोड को यूज करना चाहिए क्योंकि वही एक ऑप्शन है, समझ रही है ना? अच्छा, मुझे नहीं पता। प्लीज हम ऑनलाइन ही बात करते हैं ना, प्लीज प्लीज। हाँ तो तुम ऑनलाइन पे करोगे? ठीक है, फिर हम वैसा ही करते हैं, हम ऑनलाइन सेशन शुरू करते हैं, वो ठीक रहेगा। ये बहुत अच्छी बात है, अब मुझे काफी रिलैक्स लग रहा है, अब मैं बहुत ही मैं चलता हूँ, मुझे अपना एजेंडा चेक करना है। ठीक है, तो हम अपनी ऑनलाइन सेशन। तुम दोनों ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? समझ नहीं आता, मैं बिजी हूँ, ढेर सारे काम करने हैं मुझे, मैं बहुत थक गया हूँ ये साफ करते करते। ये सब क्या है, ये बॉक्सेस यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ किसने यहाँ इन्हें छोड़ा? क्या मीटिंग खत्म हो गई? चलो बहुत अच्छे। मुझे पता नहीं जान, बहुत अटेंशन मेरे लिए बोरिंग हो सकता है, मैं मजाक नहीं कर रही, सच मानिए ये मैसेज मैंने नहीं सेंड किया है। हेलो मिस्टर जान। हेलो कहो। हेलो गाइस, कैसे हो? व्हाट्स अप? अब तुम ब्रेक ले लो जान, मैं संभाल लूंगी। हेलो मिस्टर जान। एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है। मैं आ गई, मैं एजेंसी में थी। हम देख सकते हैं। वैसे सनीम, ये सब तुम लेकर आई हो? हाँ सब कुछ नहीं, मैं बस वो लाई जो मेरा था। वहाँ बहुत क्राउडेड लग रहा था और उन्हें एक ब्रेक की जरूरत थी, इसलिए मैं ले आई यहाँ पर। बुक काफी अच्छी है सनम, तुमने देखा हाई क्वालिटी वाली बुक? हम दोनों ने साथ में मिलकर कर दिखाया, हमने जीरो से शुरू किया था और आज देखो इसका लॉन्चिंग है। और तो और इन खूबसूरत फोटोज के साथ और रेसिपीज के साथ तो ऑब्वियस है कि हमारी बुक बहुत ही अच्छी लगेगी, क्यों सनम? कुछ नहीं, सब लोगों ने साथ में कर दिखाया है। इस लॉन्च के बाद बुक की रियल जर्नी शुरू हो जाएगी, हम तब तक कुछ नहीं कह सकते। फाइनली, ये मोर देन इनफ है। दरअसल ये बुक मेरी तरफ से जान को बर्थडे प्रेजेंट रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब कुछ परफेक्ट रहे ताकि वो देखकर खुश हो जाए। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? तो चलो अब मेरी मीटिंग खत्म हुई, मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके, बाद में आके मिलती हूँ। प्रेजेंट? कैसा प्रेजेंट? मुझे एक मीटिंग में जाना है तो मुझे देरी हो रही है, मैं वापस आता हूँ, ठीक है? क्या हुआ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या चल रहा है? यही पोलैंड की बुक है ना? हाँ। कुछ राइस रेसिपीज है। बिल्कुल। और वो कह रही थी कि इसे जान को बर्थडे गिफ्ट देगी। किडिंग? जैसे कोई मजाक है। बिल्कुल इडियट है वो। ये कोई मजाक है? तुम खुद गिफ्ट देने वाली हो तो तुम सामने वाले को गिफ्ट देने से नहीं रोक सकती, तुम्हें ये समझ में नहीं आता क्या? मैं जान के लिए गिफ्ट बना चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो सबसे बेस्ट हो। सनीम ये सब क्या है? जान, जान है। एजेंसी में इसकी पोजीशन बहुत गलत थी, इसीलिए उस क्राउड में से मैं उसे यहाँ लेके आई बस। हाँ ये बहुत अच्छा है।
अब मुझे जाना चाहिए, मुझे चेक करना है वो क्या कर रहे हैं और उस लड़की को मुझे कुछ और प्रोग्राम्स बताने हैं। मुझे काम अधूरा छोड़ के आना नहीं चाहिए था। शायद मुझे पोलैंड का मॉडल लेना चाहिए, मैं उस पर डार्ट खेलूंगी। हाँ, बहुत अच्छा आइडिया। क्यों है ना जान, मैं हमेशा आपका ख्याल नहीं रख सकती। क्या मैं अंदर आ जाऊं? हाँ आ जाओ। जैसे मिस लैला ने मुझे बताया था मैंने वैसे अरेंज कर दिया है। बताओ मुझे, ये ठीक तो है पर कुछ स्मॉल मिस्टेक्स अब भी हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम करेक्ट करो। मिस्टर एमरे, आपने बताया था कि कोई कॉन्सर्ट होने वाला है। सही कहा, लेकिन उसकी टिकट्स मेरे पास नहीं है। मुझे दो टिकट्स मिली हैं, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे कॉन्सर्ट में? हाँ, वो मैं अपने फ्रेंड के साथ जाने वाली थी पर वो बिजी है। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच, पर इस वीकेंड मेरे कुछ और प्लान्स हैं, नेक्स्ट टाइम चलेंगे साथ में। मिस्टर एमरे, आपने मुझे काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दी हैं, इसलिए मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने आई हूँ, इसे छोटा सा तोहफा ही समझ लीजिए। अरे नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ऐसा मत बोलो तुम। आप जानते हैं मैं काफी क्लमजी हूँ, मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, तो प्लीज चलिए ना। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, पर मैं वादा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे प्लान्स ऑलरेडी बन चुके हैं। ओके, थैंक यू, और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा है? वेरी गुड, बहुत अच्छा है। थैंक यू, और भी है। लैला, मिस्टर एमरी। हेलो, वेलकम। थैंक यू, मैं कुछ प्रोग्राम्स दिखाने आई हूँ मेलिस को, अगर आप बिजी हो तो मैं। नहीं नहीं नहीं, हम बिजी नहीं है। मेलिस, तुम लैपटॉप लाओ और लैला के साथ जाओ। अभी लाई मिस्टर एमरी। हैव अ सीट प्लीज। हाँ, लैला, तुम कैसी हो? लैला, मैं ठीक हूँ मिस्टर एमरे, थैंक यू। गुड, मैं भी ठीक हूँ। सुपर, तुम बहुत खुश नजर आ रही हो और खूबसूरत भी दिख रही हो। मैंने अपनी जिंदगी के लिए न्यू डिसीजंस लिए हैं, नए डिसीजंस। मैं समझता हूँ, लेकिन फिर भी तुम क्या बताओगे मुझे कि अपनी लाइफ में क्या नए डिसीजंस लिए? ऑफ कोर्स, मैं आ गई। वेलकम। ये देखिए मिस्टर एमरे, हमारी जगह कॉन्सर्ट के फ्रंट में है। कितना अच्छा है, क्या आप लोग कॉन्सर्ट के लिए जा रहे हैं? नहीं है। हाँ, जिस मूवी को अभी ऑस्कर अवार्ड मिला था ना, तो उसी मूवी में जिन्होंने म्यूजिक दिया था उन्हीं का कॉन्सर्ट है। मिस्टर एमरे भी मेरे साथ चल रहे, इन्हें भी वो बहुत पसंद है। मैं उस ग्रुप को जानती हूँ, मेरे फियांसे ने टिकट ली थी। ओह, कितनी अच्छी बात है। वैसे शायद हम लोग कॉन्सर्ट के पहले कुछ खाएंगे, तुम भी चलना चाहोगी? मैं नहीं जाऊंगी, इसलिए आप अपने प्लान्स खुद बनाइए। लैला, एक्चुअली मेलिस, चलो काम शुरू करते हैं, हमारे पास वक्त नहीं है। ओके, चलो शुरू करते हैं। चलो चलते हैं, चलो, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। मिस्टर यूसुफ, हेलो। मिस आयान। हाँ, मैं आयान बोल रही हूँ। मैं पूरी तरह रेडी हूँ, तो क्या हम स्टार्ट करें? पहले मैं हैंग अप करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, हैंग अप मत करो, अगर तुम ऐसा करोगी तो फिर हम बात कैसे करेंगे? हाँ, हम टेलीपैथी से तो बात नहीं कर सकते है ना मिस आयान? नहीं नहीं, हम कैमरा ऑन करके कॉन्वर्सेशन करते हैं, मैं ऐसा कह रही थी। कैमरा ऑन? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि मैं अभी अभी मैं अभी बाथरूम से आया हूँ, मैं नेकेड हूँ और ये प्रॉपर नहीं, मुझे बहुत शर्म आती है। प्लीज प्लीज, बात को समझो, ये मुमकिन नहीं है, प्लीज।
मिस्टर यूसुफ, सिर्फ हमारे चेहरे, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि थेरेपी अच्छे से हो जाए, और कुछ नहीं। उससे मैं प्रॉब्लम समझ पाऊंगी। नहीं फेस नहीं, प्लीज ऐसा करो जैसे कॉल सेंटर्स वाले करते हैं। हम बस फोन पर बात करते हैं, कैमरा नहीं, चेहरा नहीं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। वैसे मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, और मुझे लगा कि वो कुत्ता है, समझने की कोशिश करो। मुझे लगा कि ऐसा है कि फोन पर होगा। हम यही फोन पर ऐसे ही करते हैं, है ना? शायद आपके साथ ही कभी ऐसा ही हुआ होगा। ओके, हम ऐसे ही शुरू करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बोलिए। ओपनिंग लॉन्च अच्छा है, पर उस पर स्पीच लिखना, वो क्या कहेगी? शायद क्वेश्चन आंसर। मुझे लगता है वो ऐसा करेगी, पर उससे सवाल क्या पूछेंगे? मैं क्या लिखूं? सलेम, तुम कितनी बार इस लिस्ट को देखने वाली हो? मैं इसे याद करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि पोलन इसमें एक भी गलती ना निकाले। ओ, मुझे लेने दो, तुम फिक्र मत करो, इसमें एक भी मिस्टेक नहीं होगी। सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, और तुम पोलन की फिक्र मत करो। मुझे सिर्फ पोलन की फिक्र नहीं है, मैं मिसेस ह्यूमा के बारे में भी सोच रही हूँ। हाँ, मैं समझता हूँ, तुम्हारा कंफ्यूजिंग रिलेशनशिप है। हाँ, एक बात तो क्लियर है, मेरा और मिस्टर जान का रिलेशन, बाकी सब कंफ्यूजिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आता। कितना इंटरेस्टिंग है ना, कि तुम जिससे प्यार करती हो उनके घर वालों के साथ तुम्हारी जमती नहीं है, और तुम उनके लिए काफी स्ट्रेंजर हो। हाँ, जैसे कि तुम एक एप्पल के दो टुकड़े कर दो, और दूसरा कि तुम्हारे और उनके फैमिली के बीच बहुत ज्यादा गैप होती है, तब कुछ समझ नहीं आता। मैं कैसे बताऊं? मुझे तो लगता है कि वो औरत बहुत ही ज्यादा जिद्दी औरत है, और वो तुम्हें इंसिस्ट बहुत करती है। Yes, good command. वो काफी influencing है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी problem solve कर लो। चलो, हम ज़्यादा late नहीं होना चाहते। Okay, मैं अपनी चीज़ें ले लेती हूँ। ठीक है। मुझे मिल गया। क्या तुम इसे नहीं लोगी? हाँ, मैं memorize कर चुकी हूँ, लेकिन कोई गलती हुई तो तुम मुझे बेझिझक बता सकते हो। कोई बात नहीं, तुम overcome कर लोगी। आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताइए, जिस चीज से आप परेशान है वो बताइए मुझे। क्या क्या कहूँ, मेरा मेरे मंगेतर के साथ ब्रेकअप हो गया। हमारे बीच में बहुत प्रॉब्लम्स थी, मैं उसे मिस करता हूँ, और मैं वापस उसका दिल जीतना चाहता हूँ, पर मैं ये कैसे करूँ? मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं समझ गई, आपने अपनी फियोंसे के साथ क्या किया था? ऐसा कुछ जो नहीं करना चाहिए था, मैं उसे बुरा कह चुका हूँ। हम शादी करने ही वाले थे, पर हमने नहीं की। मैं चाहता था, पर ऐसा नहीं हुआ। सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया, बताइए अब मैं क्या करूँ? सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। सबसे पहले शांत हो जाइए और गहरी सांस लीजिए। हाँ, साथ में सांस लेते हैं। एक मिनट, मेरी पोजीशन अरेंज करता हूँ, उसके बाद हम वो करते हैं। ठीक है। मिस्टर यूसुफ, हमें इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्यों ना हम सेंटर में रहें, शांत रहें। ठीक है, इसे रिपीट करते हैं। मैं शांत हूँ और मैं शांत ही रहूंगा, ऐसा कहिए। मैं खुद को ऐसा ही कहता रहूंगा, मैं शांत हूँ, काफी शांत हूँ। जी, हेलो, मिस्टर यूसुफ। प्रॉब्लम क्या है? हर बार जे करते रहते हो, अकेला छोड़ दो मुझे, दिखाई नहीं देता, बिजी हूँ मैं। अनबिलीवेबल, प्रॉब्लम मत क्रिएट करो, और अगली बार नॉक करके आना। हाय, वेलकम। अच्छा है, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया टाइम से, वो भी। मैं बहुत बोर हो गई हूँ। चलो कोई अच्छी जगह चलते हैं, सिर्फ तुम और मैं। ये पिंक, रेड और पर्पल शू काफी अलग और यूनिक लग रहा है। इस एजेंसी के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव काफी वाइड हो गया है। Really? मैं फिलहाल जान की एक्स गर्लफ्रेंड के बुक के लॉन्च पर आई हूँ, तो बाद में कॉल करती हूँ। ओके, ठीक है जी। ओके, ठीक है, बाय हनी। चलो शुरू करते हैं। ओह हेलो, अच्छा लगा मिलके। क्या आप लोग रेडी हैं? हाँ बिल्कुल, मैं रेडी हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, हम इंटरव्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, स्टार्ट हो रहा है।
मिस पोलिन, हमने सुना है कि इस बुक के आर्ट डायरेक्टर मिस्टर जान हैं और फोटोज भी उन्होंने ही लिए हैं, क्या ये सच है? हाँ, ये सच बात है और मैं बहुत लकी हूँ कि उसने मेरा साथ दिया, वो बहुत अच्छा है। मिस्टर जान आपके एक्स बॉयफ्रेंड है, ये बात भी सच है ना? हाँ, पर वो सब पुरानी बातें हैं। आप दोनों हाई सोसाइटी के फेमस कपल हैं और आप आज भी एक साथ बहुत अच्छे लगते हैं। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू सो सो मच। पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया, ऐसा क्यों मिस पोलिन? क्या ये बुक आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छी स्टार्ट हो सकती है? हे गाइस, आप ये सब क्या कर रहे हैं? आप लोग परेशानी मत खड़ी करो, हम दोनों बिजनेस में साथ में है। ये एक बुक प्रोजेक्ट है और कुछ भी नहीं। हम यहाँ इस बुक के बारे में बात करने आए हैं, लोग वेट कर रहे हैं हमारा, सो प्लीज स्टॉप इट। ओके, मैगजीन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बुक ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज उसके बारे में पूछिए। कम ऑन, चलो, जो इम्पोर्टेंट है उस पर डिस्कशन होना चाहिए ना, फिजूल के सवाल पूछे जा रहे हो। चलो स्टार्ट करो आप। ठीक है, तो बुक के बारे में कुछ क्वेश्चन किए जाए प्लीज। आपने बुक लॉन्च करने का क्यों डिसाइड किया? सबसे पहले तो मुझे वर्ल्ड क्विजींस का पता चला, तब मुझे ऐसा लगा कि हमारे खाने में फ्यूजन होना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, यू नो, इसलिए मुझे लगा कि हमें सब ट्राई करना चाहिए। ऐसे ही शुरुआत हुई। क्या बात है। यस, थैंक यू सो स्वीट ऑफ यू। ये लीजिए और ट्राई जरूर कीजिएगा। हेलो, कैसे हैं आप? अपने इस एंग्री फेस को चेंज करो ना। क्यों, आप तो सालों से अच्छे कपल थे और आप दोनों एक दूसरे को सूट करते हैं। क्या उसके साथ? Hey, हम है कपल ऑफ द ईयर, नहीं एक्चुअली कपल ऑफ द सेंचुरी। ओह थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। आप दोनों को हमेशा साथ में रहना चाहिए, आप दोनों सूट करते हैं एक दूसरे को। ओह थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ओ तो हमें शादी का गिफ्ट क्या लेना चाहिए? शायद गोल्ड लेना चाहिए। नहीं, मार्केट काफी हाई है ना। हेलो, वेलकम सनम, ये काफी अच्छी मीटिंग हो रही है, क्या लगता है तुम्हें? और तुमने काफी परफेक्ट काम किया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ग्रेट जॉब। हाँ हाँ, ऐसा लग तो रहा है। हेलो, तुम लॉन्च के बारे में क्या सोचती हो? इट इज परफेक्ट, हमें बहुत अच्छा लगा, सबने बहुत मेहनत की है। हाँ, स्पेशली जान ने, शायद तुमने जान और पोलिन की साथ में फोटो नहीं ली है, तुम्हें लेनी चाहिए, मसाला मिल जाएगा। ओह रियली, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके मिस्टर जान, क्या हम आपकी और मिस पोलिन की एक साथ फोटो ले सकते हैं? हाँ जान, ये काफी अच्छा रहेगा, ये हमारा म्यूचुअल प्रोजेक्ट है, तो आओ ना प्लीज, आ जाओ, आओ। हाँ, इनका म्यूचुअल प्रोजेक्ट है तो फोटो काफी इम्पोर्टेंट है। मिस पोलिन, क्या आप और प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगी मिस्टर जान के साथ? हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हमने इस बुक पे बहुत काम किया है, तो कोशिश तो ये रहेगी कि आगे भी साथ में काम करें, हमारे लिए अच्छा रहेगा। ओके गाइस, इस बुक की सीक्रेट हीरो है मिस सनम, आपने इनके बारे में कुछ नहीं कहा। मिस सनम, वो यहीं पर है, सनम।